Everyone, this is class 9 science chapter 7 diversity in living organisms. So इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. So now each organism is different from all others to a lesser or greater extent. तो हमें ये पता ही है कि हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है. एक छोटा सा कैटरपिलर एक वॉर्म से डिफरेंट होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, उसकी बॉडी की जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, उसके सेल्स डिफरेंट है, सब डिफरेंस होते हैं. ऑन वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया ऑफ अ फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज, वाइल ऑन द अदर हैंड वी हैव ब्लू व्हेल एंड रेड वुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया ऑफ अप्रोक्सीमेट साइजेस 30 मीटर्स एंड 100 मीटर्स रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना होता है. एक साइड पे हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है जो माइक्रोमीटर्स में है, वेयर इज दूसरी साइड हमारे पास ब्लू व्हेल्स और रेडवुड ट्रीज है जो 30 मीटर्स टू 100 मीटर्स जितने लॉन्ग होते हैं. सो यहाँ पे बताया गया कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं हर ऑर्गेनिजम्स में, हर थिंग्स में. ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड इन वाटर और इन द एयर. तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लैंड के एनिमल्स अलग होते हैं, वाटर के अलग होते हैं और एयर के अलग होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, ये सब हम लोगों ने पढ़े हुए हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बट मिसलीडिंग टू. सो जो ये जो ग्रीक थिंकर थे उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत सिंपल वे जिससे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इन सबको, बट ये मिसलीडिंग वे था. अब मिसलीडिंग कैसे था? So for example, animals that live in the sea include corals, whales, octopus, starfish and sharks. ठीक है, ये सब animals seas में रहते हैं, मतलब ये aquatic animals हैं. We can immediately see that these are very different from each other in numerous ways. बहुत सारे ways में ये लोग एक दूसरे से अलग है, of course we know that. In fact, their habitat is the only point they share in common. This is not an appropriate way of making groups of organisms to study and think about. So यहाँ पे ये ऐसा कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो सीज के जो एनिमल्स है, वो लोग के जो नंबर्स है वो सब डिफरेंट है, वो सब डिफरेंट है, बट उन लोग का जो हैबिटेट एक वही पॉइंट है जहाँ पे वो लोग अपना हैबिटेट शेयर कर सकते हैं. सो आप अगर हैबिटेट की तरह से अगर आप क्लासीफाई करोगे तो वो सेंस नहीं बनता, तो उन्होंने उसको नहीं माना था. द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन बी कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ईच टाइम. सो जो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है, कोई भी ग्रुप्स में जो प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन करने का, तो वो मतलब हर टाइम पे नया नया होता है. अब एक क्वेश्चन ये होता है कि हमें क्लासिफाई करना क्यों है चीज़ों को. सो हम लोग अगर कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो अब हम लोग पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा पढ़ने के लिए, वो बहुत डिफ़िकल्ट बन जाएगा, वो बहुत इनकन्वीनियंट बन जाएगा. इसलिए हम लोग उसको उसके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज से उसको क्लासिफाई करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको ईजिली पढ़ पाए. तो ये एक रीज़न है कि हम लोग उसको क्लासीफाई क्यों करते हैं. वॉट वी मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक इज अ पर्टिकुलर फॉर्म और अ पर्टिकुलर फंक्शन. तो कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है? तो ये कोई पर्टिकुलर फॉर्म या एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है. जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारे पास 2 आईज है, 1 नोज है, 1 माउथ है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है. द स्टोन्स इन द लोअर मोस्ट लेयर आर लाइक द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिविजन्स अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो अब यहाँ पे ये ऐसा है कि वी मेड अ वॉल ऑफ स्टोन. ठीक है, हम लोगों ने स्टोन से एक पूरा वॉल बनाया, तो उसका जो लोअर मोस्ट, उसका जो एकदम नीचे का जो लेयर होता है ना, वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि ब्रॉड डिविजन्स होते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो वो स्टोन्स वो शो करते हैं. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर इफेक्ट्स ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. तो वो जो एकदम लोअर मोस्ट जो स्टोन्स है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर इफेक्ट्स, उनके इफेक्ट्स में ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. उनके जो फॉर्म्स और फंक्शन, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑर्गेनिज्म में वो लोग इंडिपेंडेंटली करते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन एंड वुड डिसाइड द वेराइटी इन द नेक्स्ट लेवल. सो जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एक लेवल है और उसके नीचे कोई लेवल है,
तो ऊपर वाले लेवल को नीचे वाले जो लेवल है उसके ऊपर उसको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हट गया तो ये नीचे गिर जाएगा ना, इसलिए इसको यहाँ पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब क्लासिफिकेशन का सबसे पहले चीज हम लोगों ने ये फाइंड आउट कि जो न्यूक्लियस होता है ना सेल्स के अंदर, जो न्यूक्लियस होता है वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन है। कैसे? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स हम लोगों ने फाइंड किया। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वेरस प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। दिस इज बिकॉज द बेसिक डिजाइन्स आर डिफरेंट बेस्ड ऑन द नीड्स टू मेक देयर ओन प्लांट्स फूड और रिक्वायर इट। सो अब ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग और भी देख सकते हैं कि अब उनका उनका जो बॉडी का जो डिज़ाइन होता है ना वो भी बहुत डिफरेंट होता है। अब उनके जो बॉडी का डिज़ाइन होता है वो डिपेंड करता है। अब जैसे प्लांट्स है वो फूड बनाते हैं तो उनके बॉडी का डिज़ाइन डिफरेंट होगा, मेरे से हम जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो लोग एक्वायर मतलब वो लोग खुद बनाते नहीं, वो लोग लेते हैं प्लांट से, तो उनका बॉडी डिजाइन अलग होगा। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब हिज आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये नाम याद रखना और डेट याद रखना। चार्ल्स डार्विन इन 1859 उसने पहली बार एक बुक में इवोल्यूशन का आइडिया डिस्क्राइब किया था और उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव एंशियंट बॉडी डिजाइंस दैट हैव नॉट चेंज्ड वेरी मच। सो अब चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशन है उसमें ऐसा लिखा गया है कि देखो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही रहते हैं, उन लोग के अंदर चेंज नहीं आता है। वेर इज अदर मतलब बाकी के भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर चेंजेस आ जाता है, मतलब टाइम के साथ उनके अंदर भी चेंजेस आ जाता है और वो लोग कुछ नया बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जब ह्यूमंस बॉर्न होते हैं, फिर बॉर्न होते तो तब हम लोग एकदम सेम रहते हैं जब हम बॉर्न होते हैं, फिर हमारे अंदर बहुत बड़ा इवोल्यूशन आता है और अब हम जब बड़े हो जाते हैं हमारा जो एंड टाइम होता है वो होता है हमारा लास्ट पर्टिकुलर टाइम। सिंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कॉम्प्लिसिटी इन डिजाइन विल इंक्रीज ओवर द ओल्डर विल इंक्रीज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम, इट मे नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ओल्डर ऑर्गेनिजम्स आर सिंपलर व्हाइल यंगर ऑर्गेनिजम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। अब ये ओल्डर यंगर क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। सो जो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर चेंज नहीं आता है उनको सबसे पहले प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिजम्स कहते थे, और जिनके अंदर चेंज आता है उनको एडवांस या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स कहते थे। पर ये जो टर्म्स है ना वो इतने अच्छे नहीं है उनको सूट, मतलब वो उनको बताने के लिए वो टर्म्स इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर रहे थे। सो जो ऑर्गेनिज्म जो इवोल्यूशन जो चेंजेस नहीं लाते थे अपने अंदर उसको कहा गया था ओल्डर ऑर्गेनिजम्स और बाकी को कहा गया था यंगर ऑर्गेनिजम्स। तो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स और यंगर ऑर्गेनिजम्स किस पे डिपेंड करते हैं? कॉम्प्लिसिटी पे, मतलब अगर उसके अंदर चेंज आया इवोल्यूशन के टाइम में अगर उनके अंदर चेंज आया तो वो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स में बन जाएंगे, वेरे जो यंगर ऑर्गेनिजम्स है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। यंगर ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनके अंदर चेंज आ रहा है वो यंगर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो लोग कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, वेरे जो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोग कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। The warm and humid tropical region of the earth between the tropic Cancer and the tropic Capricorn are rich in diversity of plant and animal life. This is called the region of mega diversity. तो ये बहुत important है, ये most of the exams में पूछा जाता है कि what is mega diversity. So the region of the earth between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn, there is a rich diversity of plant and animal life. उस रीजन को हम लोग मेगा डाइवर्सिटी कहते हैं। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू शेयर, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आस्क एंड स्टडी। थैंक यू।